हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से ई स्टडी विद अभय पर स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि तीन टंकियों में अलग अलग प्रकार के लिक्विड रखे गए हैं, इसे नापने के लिए बड़े से बड़े मापना की जरूरत होती है, या फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बताया गया है कमरे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, फिर उसमें वर्धाकार टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स की कितनी संख्या होगी, ये हम लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे विषयों पर, ऐसे क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है, आप वीडियो साथ बने रहिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। आप वीडियो के लास्ट में आपको एकदम चीजें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस हम लोग आज उसी भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, फिर अगली वीडियो में हम लोग किसी कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर आने वाले दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वजह से क्वेश्चन आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले शेयर कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर आप आराम से बैठ के लिखिएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो, आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए, एक टंकी में 75 लीटर दूध है, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। तो यहाँ पे ये बताना है कि एक बड़े से बड़े माप का मापना लेके आना है, यानी कि बड़े से बड़े माप का लीटर लेके आना है, जिससे कि दोनों टंकियों के दूध को नापा जा सके। तो हमें ये पता करना होगा कि बड़े से बड़े माप का कौन सा होगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसा लीटर होगा जो इस टंकी को भी खाली करके पूरा पूरा नाप सके और इस टंकी से भी पूरा पूरा खाली कर सके। तो आप यहाँ पे खुद ही पता चल गया होगा कोई लीटर होगा जो इन दोनों को बराबर बराबर नाप रहा होगा, यानी कि कोई इन संख्याओं से छोटा ही संख्या होगी जिससे लीटर नाप रहा होगा। तो आइए देखते हैं लीटर कितने बड़ा होना चाहिए जिससे ये भी नाप सके, वो भी नापा जा सके। तो बड़े से बड़े माप का होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हो 45 लीटर और 75 लीटर, बड़े से बड़े माप की चाहिए। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर देंगे, यानी कि एचसीएफ निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे, जैसा आप सभी लोगों ने पहली वीडियोस में, दूसरी वीडियोस में, तीसरी वीडियोस में, पार्ट थ्री तक की वीडियोस में ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी, तो आसान हो गया होगा, आप लोग करना जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, वन टाइम गया 45, यहाँ हमने सॉल्व किया, माइनस किया, तो यहाँ पे 0.30 आ गया। और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक संख्या पूरी पूरी कटनी बंद ना हो जाए। वन टाइम और जाएगा तो 15 आ गया, और हमने यहाँ पे किया 30, टू टाइम्स पूरा पूरा कट गया। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 15 आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एचसीएफ 15 निकाल लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 एक ऐसी संख्या है जो 45 को भी काट रही है, 15 एक ऐसी संख्या है जो 75 को भी काट रही है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो बड़े से बड़े माप का मापना 15 लीटर का होगा, यानी उस 15 लीटर से पहली टंकी का 75 लीटर दूध मापा जा सकता है और दूसरी टंकी का 45 लीटर दूध नापा जा सकता है। यानी कि अगर हम 15 लीटर के मापने से इस टंकी के दूध को नापेंगे, 15×75 यानी 5 बार में पूरी पूरी टंकी खाली कर देंगे, और उसमें 3 बार में हम टंकी पूरी पूरी खाली कर देंगे, यानी कि एक ही मापना से दोनों टंकियों को हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, जो भी इसी तरह ही होगा, लेकिन इसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये भी सारे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जब भी बड़े से बड़े माप पूछे, या बड़े से बड़े माप का मापना पूछे, या बड़े से बड़े मीटर पूछे, या बड़ी से बड़ी छड़ पूछे, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है, तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग यही करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन लैंग्वेज हमने नहीं लिखी है, तो थ्योरी हम आपको बताए जा रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए, कहा गया है तीन टंकी है, पहली टंकी, दूसरी टंकी, तीसरी टंकी। यहाँ पे तीन टंकियां दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली टंकी में आपको बताया गया है 403 लीटर दूध है, दूसरी टंकी में 434 लीटर दूध है, तीसरी टंकी में 465 लीटर दूध है। तो यहाँ पे बताया गया है वो बड़े से बड़े माप का मापना क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है बड़े से बड़े माप का मापना क्या होगा जो इन तीनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, दो टंकियां थी, दोनों में हमने लिक्विड बता दी थी कितने कितने लीटर में। यहाँ पे तीन टंकियां है, लिक्विड बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम संख्या एज इट इज उतार लेंगे, संख्या है 403, 434
और 465। तो देखिए हमने कहा था छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे, एक बार में करते हैं तो देखिए वन टाइम जाता है तो यहाँ पे एक बचता है, यहाँ पे थ्री बचता है, फिर हम इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक संख्या पूरी पूरी कट नहीं जाती। वन टाइम जाएगा 31 आ गया, यहाँ पे हम देखते हैं 93 आ गया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है थ्री टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 31 आ गया। लेकिन अभी 31 आया हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अभी हमको ये भी करके देखना है कि तीसरे वाली टंकी के जितना दूध रखा है क्या उसको पूरा पूरा मान सकता है। तो देखिए वन टाइम जाएगा क्योंकि सेकंड टाइम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया, 155 आ गया आपका। तो यहाँ पे आप देखिए 31 दिया हुआ है, 31 हम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आ जाएगा, 5 एक 5 5 15 हमने इसे कट कर दिया तो ये आ गया, यानी कि एससीएफ यहाँ पे 31 आ गया। तो यानी कि वो बड़े से बड़े माप का मापना क्या होगा 31 लीटर का होगा, जो पहली टंकी को भी, दूसरी टंकी को भी, तीसरी टंकी को भी पूरा पूरा माप सकेगा। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये 2004 में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, एसआई में भी आया हुआ है, ये 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आपको उम्मीद, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये भी कह सकता है, कुछ टंकियां दी गई हैं, 2 टंकी 3 टंकी 4 टंकी दी हो, अब पूछेगा बड़े से बड़े माप का मापना क्या होगा जिससे कि उस लिक्विड को मापा जा सके। टंकी में तेल हो सकता है, दूध हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी लिक्विड में हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछता है। लेकिन हमें बस समझना है कि मेथड क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि बड़े से बड़े माप का मापना क्या होगा, यानी बड़े से बड़े माप का लीटर क्या होगा, तो लीटर वो 31 का होगा। लीटर कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया, एचसीएफ प्रोसेस करके हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एचसीएफ भी पढ़ाने का प्रयास किया था और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एचसीएफ विधि से ही सॉल्व कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में नंबर देने के लिए ही आते हैं क्योंकि हम लोगों को आते रहते हैं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों के दो बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे, दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बतानी है। यानी कि यहाँ से बताना है दोनों पाइप अलग अलग है, दोनों को ऐसा काटना है कि ना कोई ज्यादा बचे ना कोई कम बचे, और जितनी भी चीजें जितने भी हम साइज काटे सारी साइज इक्वल में होनी चाहिए। तो हमें पता करना है वो जो टुकड़ा है उस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी जो बराबर हिस्सों में कटेगा। तो देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने टंकी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बस आपको यहाँ समझना है दो पाइप दिए गए हैं, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे देखिए दो पाइप दिया गया है, एक पाइप 1.5 मीटर का है, एक पाइप यहाँ पे 1.2 मीटर का है। यानी कि यहाँ पे बताया गया जैसे हम यहाँ पे बराबर कट करते हैं तो यहाँ पे जैसे इसकी लंबाई ए है तो ये भी ये वाला भी लंबाई जो रहेगा ये भी ए लंबाई होना चाहिए, ये वाला भी ए लंबाई का, ये वाला भी ए लंबाई का, ये वाला भी ए लंबाई का। यानी कि आप यहाँ समझने का मतलब ये है कि सारी जो लंबाइयां होंगी सब बराबर होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान है और करना भी है। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है तो परेशान नहीं होना है, दो संख्याएं दी गई है 1.5 1.2, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉइंट को स्किप कर देते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। ध्यान रखिएगा पॉइंट कितने डिजिट बाद है, हम लोगों ने देखा कि एक डिजिट बाद है तो हम इसे थोड़ी देर रुक के करेंगे। यहाँ पे आ गया 3 और 12 को भाग करेंगे 4 टाइम्स कट गया, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे आंसर 3 आ गया। लेकिन हमें आंसर 3 पर टिक नहीं करना है क्योंकि एक डिजिट बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे आंसर में एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे और आगे 0 रहता है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 0.3 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये अगर पॉइंट में है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप पॉइंट के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे करते हैं आपको ये चीजें मालूम है, ये बिना पॉइंट वाले आपने सॉल्व किए हैं तो आप बिना पॉइंट भी बना सकते हैं और पॉइंट के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं आसान है। तो यहाँ पे 0.3 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि वो अधिकतम लंबाई कितनी होगी 0.3 मीटर होगी और इन जो पाइप के टुकड़ों की लंबाई है अधिकतम से अधिकतम 0.3 मीटर होगी।
तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग एसएम मेथड से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने सॉल्व करके आंसर करिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए फ्रेंड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उससे थोड़ा सा भटके हैं क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों को बता दिया जाता था कि टंकी में इतना दूध है, या फिर बता दिया गया था कि पाइप की लंबाई इतनी दी गई है और हमें वो बड़े से बड़ी माप चाहिए था बराबर वाला टुकड़ों को काटने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है एक छड़ी की लंबाई, पहली छड़ी की लंबाई ध्यान दीजिएगा, पहली छड़ी की लंबाई दी गई है, दूसरी छड़ी की लंबाई दी गई है और तीसरी छड़ी की लंबाई दी गई है। यहाँ पे पहली छड़ी 64 सेंटीमीटर की है, दूसरी छड़ी 80 सेंटीमीटर की है और तीसरी छड़ी 96 सेंटीमीटर की है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन तीन जो छड़ियों की लंबाई बताइए, आपसे पूछा गया है उस एक कपड़ा है, कपड़े की उस लंबाई को बताना है, कपड़े की उस छोटी सी छोटी लंबाई को बताना है जिससे इन तीनों छड़ियों द्वारा नापा जा सके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपसे इनको बराबर टुकड़ों में बांटने की बात नहीं कही गई, इसमें यह कहा गया है कपड़े की वो लंबाई बताओ जिससे इन तीनों छड़ियों द्वारा बराबर बराबर नापा जा सके। छोटी से छोटी लंबाई बतानी है कपड़े की, नापा जा सके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटी छोटी लंबाई पूछा गया, कपड़े की लंबाई पूछा गया, मतलब इन दोनों के आगे कोई संख्या होगी, यानी कि संख्या दी गई है 64, 80 और 96। तो हमें वो कपड़े की वो छोटी से छोटी लंबाई बतानी है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल बताना है, वो भी लीस्ट मल्टीपल बताना है। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालते हैं, आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आपने हम सीखा था, यहाँ पे हमने आपको बताया था 2 से पहले करते हैं, जब देखते हैं 2 से करने पर क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा था कि 2 से तब तक करते हैं जब तक कि संख्याएं 2 से कटना बंद ना हो जाए, अभी भी 2 से कट रही है। देखिए हमने कट किया 20 है, यहाँ पे आपने देखा 24 आ गया, अभी भी 2 से कट रही है। 2 से तब तक करते जाना है जब तक संख्याएं 2 से कटना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग करते जा रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। अभी देखिए हम लोग करीब करीब संख्या पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे 5 आ गया, 3 आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम कर लिया है, 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 दूना 64, 64 और 15, यहाँ पे देखिए 15 रहेगा, 64 और 15 का हमें गुणा कर लेना है, सबको आता होगा 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 96, यानी कि 960 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम 64, 80, 96 का एलसीएम निकाला, जहां पे हमने मल्टीपल निकाला 960 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि वो कपड़े की छोटी छोटी माप कौन सी होगी, 960 की होगी। छोटी माप पूछी गई है, यानी कि जो पहले मल्टीपल्स मिल जाएगा, तीनों का मल्टीपल्स जो पहले ही हमें मिल जाएगा उसी को हम लोग आंसर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऑप्शन जो दिया हो वो सेंटीमीटर में ना देके मीटर में दिया हो, आपसे सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई है और पूछी जा रही है मीटर में, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीजें आप सबको क्लियर होंगी। और 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे आप सभी जानते हैं 1/100 मीटर होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि यहाँ पे आप जानते हैं 960 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये चीज मीटर में आ गई, यानी आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि वो कपड़े की छोटी छोटी लंबाई होगी 9.6 मीटर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ कपड़े की छोटी से छोटी लंबाई पूछी गई थी, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो चेंज था, ये टाइप दूसरा है, जहां कपड़े की छोटी छोटी लंबाई पूछी गई है, यहां पे हमने मल्टीपल निकाला है। इसके पहले जो होता था हम लोग वहां पे फैक्टर ढूंढ रहे थे, यानी कि एसएम निकाल रहे थे, यहां पे हम लोग एलसीएम निकाल के कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे चेंजेस होता है वो आपको ध्यान रखना है, नहीं आप जल्दी जल्दी में आप यहाँ पे इसका 16 कर देंगे, क्योंकि 16 से सारी संख्या कट रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आपसे छोटा से छोटा पूछा जाए तो आप यहाँ एलसीएम निकालिएगा, बड़े से बड़ा पूछा जाएगा तो आप एसएम निकालिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जो जरूरी बातें हैं, जरूरी डाटा है, हमने उन्हें यहाँ पे नोट डाउन किया है, क्वेश्चन हम आपको बोले दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको बताए दे रहे हैं। एक कमरे की लंबाई
और चौड़ाई दी गई है। किसी कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और उसी कमरे की चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है और फिर आपको यहाँ पे इस कमरे के फर्श पे वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। वर्गाकार टाइल्स बिछानी है, ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। तो पूछा जा रहा है इतने बड़े कमरे में लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो पूछा जा रहा है कि वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। मतलब यहाँ पे आपको वर्गाकार टाइल्स बताना है और टाइल्स की संख्या बतानी है कि कितनी टाइल्स वहां लगेंगी। टाइल्स मतलब ये है कि टाइल्स हमको एग्जैक्ट बतानी है, ना काटनी पड़े, ना कम हो, ना ज्यादा हो, एग्जैक्ट होनी चाहिए जिससे कि वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सके। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए हमें कमरे में टाइल्स बिछानी है, यानी कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कमरे का हमें एरिया मालूम होना चाहिए, क्योंकि कमरे में एरिया मालूम होगा तभी हम टाइल्स बिछा पाएंगे। फिर दूसरी बात यह आती है कि हमें यह भी पता होना चाहिए टाइल्स कितना बड़ा हो जिससे कि पूरा पूरा आ जाए, काटना पीटना ना पड़े, तभी हम, क्योंकि हमको कमरे का एरिया पता रहे और टाइल्स का एरिया पता रहेगा तो हम भाग करके संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अभी वो नहीं पता है कि टाइल्स कितनी बड़ी चाहिए, वर्गाकार टाइल्स कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज पहले आप ये देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर आपको कमरे की लंबाई दी गई है और चौड़ाई यहाँ पे आपको दिया गया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखिए यूनिट चेंज है, अगर यूनिट चेंज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दिक्कत की बात है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम मीटर में सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे, यानी कि 1500 मीटर आ जाएगा और यहाँ 17 सेंटीमीटर है, ये मीटर से गुणा करेंगे 100 को सेंटीमीटर में आ जाएगा, यहाँ 17 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों को हम जोड़ के लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर, ये आ गया कमरे की लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ 900 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 9 मीटर में हमने 100 को गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो दोनों यूनिट सेम हो गई तो हम जोड़ देंगे, यानी कि 902 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे आपको देखिए लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गई, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा सा। और उसके आगे हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कमरे की क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन कमरे का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है वर्गाकार टाइल्स की लंबाई। ठीक है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है, यानी कि कहने का मतलब ये है आपको लंबाई चौड़ाई दी गई है तो वो बड़े से बड़े माप बतानी है टाइल्स की, जिससे कि पूरे कमरे में टाइल्स को बिछाया जा सके, जिससे न टाइल्स कम पड़े न ज्यादा पड़े। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 टाइम जाएगा, ये आ गया, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 6 आ गया, फिर यहाँ पे 902 आ जाएगा। ये तब तक करते हैं जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए। एक बार जाएगा तो यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 8 में से 2 गया, ये देखिए 2 आ गया, 6 गया, 2 बचा, यहाँ पे 615 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे, वो सॉरी 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 14 आ गया और यहाँ पे 8 16 17 आ गया, यहाँ पे 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटा लेते हैं, 1 आ गया, अब यहाँ पे हमने देखा कि 11 हो गया, 11 में से 7 गया 1 बचा, 5 में से 5, 11 में से 7 गया 4 बचा, 5 में से 5 गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 41 आ गया, अब 41 से हम फिर से डिवाइड करते हैं, वहां जगह कम है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 902। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 हो गया, यहाँ पे आपने देखा कि 9 बच रहा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने देखा कि 8 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 तरएगा, आप देखिए 2 टाइम्स फिर चला जाएगा, यानी 82 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 80 कितना जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्गाकार टाइल्स वो अधिकतम लंबाई हमें मालूम पड़ गई, अधिकतम लंबाई क्या होगी ये हम लोगों ने देख लिया है, इसे हम बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप समझिएगा। देखिए आइए देखते थे, फिर यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ वो बड़े से बड़ा माप क्या होगा, 41 सेंटीमीटर का होगा। कमरे की लंबाई 1517 सेंटीमीटर हमने अभी निकाला था, ये कमरे की लंबाई थी, कमरे की चौड़ाई 902 सेंटीमीटर, या आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जहां पे बड़े से बड़ा माप हमने निकाला है 41 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछी गई है, तो अब आसान हो गया है। तो देखिए कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी,
ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल हमें पता है एल इंटू बी, और साथ में यहाँ पे टाइल्स की लंबाई आ गई, लेकिन वर्गाकार टाइल्स की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एरिया भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइड इंटू साइड कर देंगे, भुजा हमने ए मान लिया। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दी गई है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई 902 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। अब देखिए भुजा कितनी आ रही, 41 × 41। आप ध्यान दीजिए ये कमरे का क्षेत्रफल आया और ये एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। कमरे के क्षेत्रफल से टाइल्स के क्षेत्रफल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें संख्या मालूम पड़ जाएगी, सभी जानते हैं। तो देखिए हमने इसे कट करना है, इसे कट करेंगे 22 टाइम चला जाएगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ कट के करते देखा भी था तो 22 टाइम चला गया था। अब यहाँ पे देखिए कट करते हैं, जहां पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स आपका आता है 3 123। आप यहाँ पे देखिए 151 से अगर आप यहाँ घटाते हैं तो आपका यहाँ 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स गया होगा, फिर यहाँ पे आप 7 टाइम्स ले जाएंगे, आपका आ जाएगा 37। आपने 41 से डिवाइड किया तो आपका 37 आ गया। अब आप नजदीक पहुंच गए क्वेश्चन के, बस आपको डिवाइड करना है। हम देखिए हमने आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट फाइंड करना बताया था, अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन में अगर इकाई के अंत पे यूनिट डिजिट पे 4 होगा तो हम उसी को टिक करके चले जाएंगे, अगर ऑप्शन में केवल किसी एक ऑप्शन में 4 होगा तो हम टिक करके चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां पे अब हमें डिवाइड करना है, लेकिन यूनिट डिजिट पढ़ना भी जरूरी था, यूनिट डिजिट से हम करके करके निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिखाना है तो आपको पूरा पूरा बताना पड़ेगा। देखिए हमें ये मल्टीप्लाई करना है, हमने आपको ये जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमने आपको सिखाया था, जहां पे एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 14 एक हमारा रिमाइंडर आ गया, 3 × 6 7 × 14 14 6 20 21 हो जाएगा, 3 × 6 और 6 में हमने 2 जोड़ दिया 8 आ गया, यानी कि 814 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, वो हमें हमसे पूछा गया वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 1517 सेंटीमीटर लंबे कमरे की और 902 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की, कमरे में अगर हमें वर्गाकार टाइल्स बिछानी है तो वो बड़े से बड़े माप का 41 सेंटीमीटर वाली वो हो जाएगी 814 टाइल्स यहाँ पे बिछेंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसको फिर से देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई है, कमरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है, फिर उसके बाद हमको यह पता करना है कि टाइल्स कितनी बड़ी लगेगी, टाइल्स की साइज पता करने के लिए हम डिवाइड करके टाइल्स की बड़ी से बड़ी माप निकाल लेते हैं। और यहाँ पे वर्गाकार का मतलब होता है, वर्गाकार का मतलब होता है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, तो कमरे की लंबाई से टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स की लंबाई से मतलब कमरे के क्षेत्रफल से वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग करते हैं तो हमें वो अधिकतम संख्या पता चल जाती है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की संख्या 814 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक है, आप लोग पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो बताइएगा। धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखते हैं।